Hello, students. I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is speeding up the struggle for freedom learning topics birth of the indian national congress divide and rule policy of the british the swadeshi movement the revolution. after the failure of the revolt of eighteen fifty seven the opposition to the british rule grew steadily in the minds of the indians people began to think as to why they had become slaves what their weaknesses were and how their shortcomings could be removed. तो जैसे ही आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 का फेलियर स्टार्ट हो गया था वो फेल हो चुके थे अपना इंडिपेंडेंस लेने में तो इंडियंस ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि ऐसा क्या वीकनेस उन लोगों में है कि ब्रिटिशर्स का स्लेव्स उनको बनना पड़ रहा है द इंडियंस नाउ began टू फॉर्म एसोसिएशन institutions, schools, एटसेट्रा ऑफ देयर ओन दे began टू होल्ड meetings एंड मेड डिमांड्स टू रिमूव their डिफिकल्टीज इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जब सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो इंडियंस ने अपनी एसोसिएशन्स इंस्टीट्यूशन अपने ऑफिसज और अपने स्कूल्स बनाना शुरू कर दिया ताकि वो ब्रिटिशर्स से जल्द से जल्द आज़ादी पा सकें birth of the indian national congress in 1885 an organization called the indian national congress inc was formed it wanted to draw the attention of the british towards the problems and demands of the indian people the indian national congress inc was started by an englishman named a o Hume. in 1885 may indian national congress yani ki inc ए ओ ह्यूम के द्वारा फाउंड करा गया था ताकि ब्रिटिशर्स को जो प्रॉब्लम्स इंडिया में इंडियंस फेस कर रहे हैं उनकी तरफ आकर्षित करा जाए द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे मुंबई एजुकेटेड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया केम टू टेक पार्ट इन इट द डिमांडेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड गिव द इंडियंस मोर शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री तो आपकी जो सबसे पहली आईएनसी की मीटिंग हुई थी वो प्रेजेंट डे मुंबई में हुई थी और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड लोग थे वो इस मीटिंग का हिस्सा बने थे अमंग द इम्पोर्टेंट लीडर्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस आई एन सी वर्डबू सी बैनर्जी दादा भाई नारोजी फिरोज शाह मेहता एस एन बैनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले बद्रुद्दीन जी एंड जी सुब्रमण्य अय्यर दीज लीडर्स बिलीव इन द मेथड्स ऑफ पेशेंस एंड परसुएशन एंड वर कॉल्ड द मॉडरेट्स। तो जितने भी आपने अभी नाम सुने ये सारे आईएनसी के पार्ट थे और ये सारे मानते थे कि पेशेंस और परेशन से संयम रखने से आपको आजादी मिल सकती है और ये सारे लोग मॉडरेट पार्ट के हिस्सा थे सम ऑफ द यंग लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल बिलीव दैट रिक्वेस्ट एंड हम्बल डिमांड्स वुड नॉट मेक द ब्रिटिश गिव अप पावर बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल ये तीन एक्सट्रीम लीडर्स में से थे जो मानते थे कि हम्बलनेस से रिक्वेस्ट करके आप ब्रिटिशर्स को नहीं फोर्स कर सकते हैं पावर को गिव अप करने के लिए आपको कोई ऐसी एक्सट्रीम रिग्रेसिव पॉलिसीज़ या फिर ऐसा कोई एक्शन उठाना पड़ेगा जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स फोर्स हो जाएं इंडिया को छोड़ने के लिए तिलक डिक्लेयर स्वराज इज आर बर्थ राइट एंड वी शैल ने डिक्लेयर कर दिया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो हमें मिलना चाहिए These leaders were called the extremists. They held meetings and demonstrations and boycotted the British goods. The British government tried to suppress these movements. Leaders were beaten up and put in jail. But the struggle for freedom continued. Tilak edited a newspaper called. केसरी ये जितने भी तीनों थे आपके बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये तीनों जो लाल बाल पाल थे ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का पार्ट थे ये रिग्रेसिव डिमॉन्स्ट्रेशन भी कैरी फॉरवर्ड करते थे और अलग अलग तरह की पॉलिसीज या एक्शन को टेक प्लेस करवाते थे जिससे कि वो ब्रिटिशर्स को फोर्स करवा सके इंडिया को छोड़ने के लिए divide and rule policy of the british gradually the indian national congress inc became stronger and stronger its leaders began to criticize the british government and started demanding more and more rights the British got worried and decided to weaken the freedom movement by dividing the Hindus and the Muslims. For this purpose, they followed the policy of divide and rule. Bengal, where the movement was very strong, was divided by the British in two parts: one with the Hindu majority and the other having the Muslim majority. So the Indian National Congress ka Formation of associations form whiche British Goods, ka, British Institutions, County rules. को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया तो वहां उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये लोग वापस से अलग अलग हो जाएं। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की स्थापना करी यानी कि लोगों को बांटो और उसके बाद रूल करो बंगाल में उन्होंने इस मूवमेंट की स्टार्टिंग करी थी जहां पे उन्होंने हिंदू ग्रुप और मुस्लिम ग्रुप को अलग अलग पॉलिसीज़ के साथ डिवाइड करा दिया बंटवारा करवा दिया उनके बीच में लड़ाई करवा दी जिसकी मदद से वापस से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट हो गई थी the whole country strongly protested against the partition of bengal. a puri jo country thi usne is movement khe kilaav the swadeshi movement. as a protest against the partition of bengal, our leaders asked the countrymen to stop using the british goods. they asked them to use only the swadeshi things, that is the things made in india. this movement was called the swadeshi movement. The British goods were boycotted and at many places bonfires were made to burn the British clothes. The British could not face this movement and had to cancel the partition of Bengal in 1911. उसके बाद जब अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में अलग अलग प्रोटेस्ट होने लग गई बॉन्न फायर्स होने लग गए अलग अलग प्रोसेशन demonstrations निकाले जाने लगे partition ऑफ बंगाल के लिए लोगों ने ब्रिटिश गुड्स का ब्रिटिश institutions का ऑफिस का स्कूल्स का बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया तो हार मान के 1911 में ब्रिटिशर्स को पार्टिशन ऑफ बंगाल को रोकना पड़ा रद्द करना पड़ा तो रेवोल्यूशनरीज़, सम पीपल बिलीव दैट वायलेंस शुड बी फॉट विद वायल्ड पीपल ऑफ दिस ओपिनियन वर नोन एज रेवोल्यूशनरीज़ Ram Bose, a 14 years old boy, was hanged by the British for revolutionary activities. In the later phase of the freedom movement, revolutionaries like Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad, Veer Savarkar, Sukhdev, Ram Prasad Bismil, B.K. Dutt, Jatin Das and Ashwa Kulla Khan joined the struggle. Many of them laid down their lives for sake of मदरलैंड उसके बाद अलग अलग टाइप के लोग सामने आए जैसे कि भगत सिंह जैसे महान ऐसे रेवोल्यूशनिस्ट जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया नॉलेज कॉर्नर ईस्ट बंगाल लेटर बिकेम ईस्ट पाकिस्तान एंड प्रेजेंट डे बांग्लादेश जो बंगाल का ईस्टर्न पार्ट था वो सबसे पहले पाकिस्तान का पार्ट बना ईस्टर्न पाकिस्तान का और प्रेजेंट डे में वो बांग्लादेश है मैनी पीपल वैग्ड अ स्ट्रगल फॉर इंडिया फ्रीडम फ्रॉम आउटसाइड the कंट्री मैडम कामा went टू Geneva एंड ब्रॉट आउट अ पेपर कॉल्ड वंदे मातरम तो आपका जो फ्रीडम मूवमेंट था वो ना केवल इंडिया में स्टार्ट हो चुका था बल्कि इंडिया के बाहर भी काफी सारे ऐसे लोग थे जो वहीं से इंडिया की फ्रीडम के लिए अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज कर रहे थे जैसे कि मैडम कामा जिनेवा गई स्विट्जरलैंड में और उन्होंने एक पेपर निकाला जिसका नाम था वंदे मातरम लाला हरदयाल एंड अदर पीपल ऑफ पंजाब फॉर्म द गदर पार्टी इन अमेरिका टू हेल्प द रेवल्यूशनरीज इन इंडिया तो लाला हरद्याल ने अपने जितने भी पंजाबी उनके साथी थे उनके साथ अमेरिका में गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया और वहीं से उन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी In 1914 World War broke out the British government announced that it would grant freedom to India after the end of war but after the war the British government announced only a certain reforms these reforms were totally unsatisfactory for the Indian people to add to the already growing discontent among the people the government made very strict laws according to these laws people could be put in jail without trial this caused widespread indignation led to massive demonstrations and hartals which the government

यहां से नहीं जा रहे हैं कुछ रिफॉर्म्स वो लेकर आए जो कि इंडियंस के लिए अभी भी जेल में डाला जा सकता है मोहनदास करमचंद गांधी जो अफ्रीका में एक लॉयर की तरह प्रैक्टिस कर रहे थे वो इंडिया में उन्होंने वापसी करी और यहीं से उन्होंने फ्रीडम का पूरा जर्नी अपना now i know in 1885 the indian national congress inc was formed our leaders held meetings and demonstrations against the british rule the british followed the policy of divide and rule to weaken the national movement in the swadeshi movement people were asked to boycott the british goods and use things made in india the revolutionaries believed in the use of violence against the british 1885 INC formation policies thi. Swadeshi movement डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का आउटब्रेक करा था 1911 में रोक दिया था आपके मॉडरेट्स भी थे थे जो और और के साथ इंडिपेंडेंस चाहते थे और ऐसे भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे जो जानते थे कि वायलेंस के बदले में आपको वायलेंस ही करना पड़ेगा जो कि ब्रिटिशर्स को मजबूर कर सकता है इंडिया को छोड़ने के लिए तो स्टूडेंट्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसके जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको खुद से करनी है